डीएपी खाद नहीं मिलने से बल्लभगढ़ मंडी में किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बीजेपी सरकार को जमकर कोसा है। किसानों ने कहा कि खाद किसानों की जान है जिससे वे अपनी खेती करता है। किसानों का कहना है कि सरकार के नुमाइंदे हमारी फसल को बेकार बता रहे थे और फिर मजबूरी में हमें अपनी फसल आढ़ती को देनी पड़ती है। किसानों ने आगे बताया कि वे खाद लेने के लिए सुबह 5 बजे से ही मंडी में आए हुए हैं लेकिन उन्हें अभी तक खाद नहीं मिली है और ना ही एजेंसी का कोई नुमाइंदा बाहर आया है। तो ये तस्वीरें आपको हम साफ तौर पर दिखा रहे हैं किस तरीके से किसानों की भीड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं जो खाद लेने के लिए सुबह 5 बजे से ही पहुंच गए हैं लेकिन किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हुई है। खाद नहीं मिलने से किसानों की परेशानी दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। फरीदाबाद की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहाँ पर किसानों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। किसान की मेन जान है जिससे अपना खेत उगाता है और उसके लिए जब इस सरकार पर कोई पूर्ति नहीं हो रही, किसान का माल ये पड़ा मंडी के अंदर, कम से कम 2000 किसानों ने कल रो रो करके मुतेरे कह लिए लेकिन किसी ने कोई तुलाई नहीं सुनाई नहीं करी। बड़े बूढ़े खड़े हैं, सुबह 5 बजे खड़े हैं और सुन लो पीछे से खिड़की खुल रही है, पीछे से पर्ची कटकर जा रही है, खाद ले रही जनता। यह लाइन तो हाई खाई जो लाइन धरी है, सवेरे 6 बजे से लाइन में लग रहे हैं, कोई रात से भी लाइन में लग रहा है। अभी तो आगे जमींदार बहुत परेशान है, जहाँ खड़े थे सुबह 6 बजे वहीं खड़े हैं, अभी 1 इंच आगे।